हेलो एवरीवन, मैं हूं नैना सिंह, आज के सिनेमा की आवाज़ और समरी ऑफ सिनेमा में मैं आपका स्वागत करती हूं। बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के चकाचौंध और ग्लिट्स ग्लैमर के नीचे काफी सारे अनसेवरी एस्पेक्ट्स यानी बुराइयां भी होती है जिनके बारे में सबको पता नहीं चलता। लाइमलाइट के पीछे कई सारी ऐसी बातें होती है जो इंडस्ट्री की चमक के नीचे छुप जाती है। आज मैं आपको उनमें से कुछ के बारे में बताऊंगी। पहला, नेपोटिज्म यानी बड़े ओहदे के माँ बाप के बच्चों को पहले चांस देना। फिल्म इंडस्ट्री में ये प्रचलित है। स्टार किड्स और उन लोगों को फेवर किया जाता है जिनके पास फैमिली कनेक्शंस होते हैं, इसलिए टैलेंटेड न्यू कमर्स ये प्रॉब्लम बहुत फेस करते हैं। इंडस्ट्री में आने के लिए और आगे बढ़ने के लिए आपको नेटवर्किंग और कनेक्शंस चाहिए होते हैं, और स्टार किड्स को अपने फिल्मी मम्मी पापा की वजह से वो अपॉर्चुनिटी मिल जाती है बिना कुछ मेहनत करे। तो अगर आपको इस इंडस्ट्री में आना है और सर्वाइव करना है तो आपकी नेटवर्किंग गेम काफी स्ट्रांग होनी चाहिए और आप में काफी ज्यादा पेशेंस होना चाहिए, क्योंकि इतनी आसानी से आपको अपनी मंजिल नहीं मिलने वाली। आप नेपो किड्स के पीछे कतार में हैं। दूसरा, अब ड्रग्स। बॉलीवुड सेलिब्रिटीज की पार्टीज में ड्रग यूज और एडिक्शन सब्सटेंसेस की बहुत सारी रिपोर्ट्स आई हैं, और इंडस्ट्री में ये सारी चीजें काफी कॉमन भी है। इनफैक्ट ऐसा भी कहा जाता है कि कई डायरेक्टर्स और बड़े एक्टर्स अपने क्राफ्ट को और इम्प्रूव करने के लिए और नए आइडियाज लाने के लिए ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि ये सही चीज है। ड्रग्स एक ऐसी चीज है जिसकी लत में इंसान अंदर घुसता ही जाता है और कईयों का करियर भी बर्बाद हो जाता है, जैसे जईद खान, फरदीन खान और भी कई। तीसरा है सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन और कास्टिंग काउच। कास्टिंग काउच का मतलब होता है कि आपको काम पाने के लिए कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा बाय सेक्सुअली प्लीजिंग दी अदर पर्सन। तब आप चाहे लड़के ही क्यों ना हो, आप मानोगे नहीं लेकिन इंडस्ट्री में ये भी एक बहुत मामूली बात है। लड़कियां और लड़के काम पाने के लिए इतना डेस्परेट हो जाते हैं कि वो किसी भी हद तक जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। 80% देश के लोग अलग अलग कोने से अपना घर बार छोड़ के आए होते हैं एक्टर बनने के लिए, और ऐसा अब नहीं है कि ये प्रॉब्लम सिर्फ लड़कियां फेस करती है, आज के डेट में लड़के भी इस प्रॉब्लम को उतना ही फेस करते हैं, पर बता नहीं सकते क्योंकि लड़कों की कंप्लेन करने पर बदनामी भी ज्यादा है और लॉ यानी हमारा कानून भी उनके साथ नहीं है। और चौथा है फाइनेंशियल इररेगुलरिटीज और टैक्स इवेशन। फिल्म इंडस्ट्री में फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट, टैक्स इवेशन और मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड स्कैंडल्स कई बार हुए हैं। कई बॉलीवुड पर्सनैलिटीज इन व्हाइट कॉलर क्राइम्स के लिए इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन फेस कर चुकी है। इंडस्ट्री में पैसा तो बहुत है लेकिन ज्यादातर वो मनी ब्लैक में होता है या फिर फिल्म लॉस दिखाकर पैसे को एडजस्ट करके टैक्स बचाया जाता है। अब तो मॉरिशस और इंग्लैंड की सब्सिडी को भी इतना बजट बढ़ा के भरा जाता है कि पिक्चर सब्सिडी में ही बन जाती है। अब चाहे फिल्म चले या ना चले, सब कंट्रीज अब इंडियन प्रोड्यूसर्स से दूर भाग रही है उन्हें चोर समझ के। तो बाहर से जो प्रोड्यूसर, एक्टर फिल्म फेयर और आईफा ले रहे हैं, जब आप उनके लिए ताली बजा रहे हैं तो चांसेस ये भी है कि आधे उनमें से टैक्स का पैसा या ब्लैक मनी को वाइट करके आपकी तालियां ले रहे हैं। फिल्म इंडस्ट्री एक ऐसी दुनिया है जो रोजमर्रा की लाइफ से बहुत ही अलग है। दूर से ये दुनिया अपनी चमक की वजह से बहुत शाइनिंग लगती है, लेकिन पास से ये काफी मुश्किल, ब्रूटल और बेरंग दुनिया है। पर ये बात अरबों की जनसंख्या वाले हमारे देश के सभी लोग नहीं जानते, और करियर बनाना बिना प्रिपरेशन के बैग उठा के या घर से लड़के आ जाते हैं। वीडियो का टाइम खत्म हो रहा है, पर बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के डर्टी लिटिल सीक्रेट्स यहीं खत्म नहीं होते, और इसलिए फिल्म इंडस्ट्री के बचे राज इस वीडियो के पार्ट 2 में मैं आपको बताऊंगी। सो वेल फ्रेंड्स, ये थे बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े कुछ सीक्रेट्स। कैसा लगा ये कमेंट्स में बताना। अगर लाइक सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल दबाई है तो गॉड ब्लेस यू, और अगर नहीं दबाई है तो प्लीज दबा दीजिए और हमारे एफर्ट्स को सपोर्ट और इनकरेज कीजिए, और जरूर देखिए इस वीडियो का पार्ट 2 गिवन इन द लिंक बिलो।